तो आज मैंने यहाँ पे एक स्पेशल सब्जी निकाल रखी है और वो ही बोलते हैं इसका अचार भी होता है तो इसको बोलते हैं तिमला। तो आयुष बेटा अभी चला रहा है तो अभी यहाँ पे ना दीदी जी परोस रही हैं रोटी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत, मेरा गांव है रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव पाली सिमली से। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से क्योंकि मुझे इसके बाद जाना है खेत। तो आप सभी का स्वागत भी है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। अभी अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुहाना है। प्यारी सी धूप खिली हुई है इस वाली साइड से, सामने दिख रहा है करनाली महर गांव और इधर की साइड है जैली गांव जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी यहाँ के खेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उस वाली साइड धूप आ गई है, इस वाली साइड अभी धूप नहीं आई है। जब हमें कहीं जाना होता है तो हम जल्दी उठ जाते हैं, खासकर जिस दिन खेतों का काम होता है, क्योंकि खेतों के काम में अगर देर करेंगे तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, फिर बैल भी थक जाते हैं और हम भी, बच्चे भी, सभी लोग थक जाते हैं। तो इससे बड़ा है सुबह टाइम पे उठो और जल्दी जाओ, 10 या 11 बजे तक हम लोग भी घर की ओर आ जाएंगे। तो ऐसे में सुबह सुबह का जो समय रहता है ना तो ठंडा ठंडा मौसम रहता है, काम करने का भी बहुत अच्छा मन करता है। तो बाकी मेरी भी तैयारी हो गई है रोज़ की तरह खेतों में जाने की, आज भी हमारी मंडवे की बुताई है तो चलते हैं खेत में। और आज छुट्टी है तो बच्चे भी हैं मेरे साथ में, तो मैंने चाय बना रखी है, इस पर खेत में पियेंगे चाय। खेत में चाय पीने का मज़ा और रोटी खाने का आनंद कुछ और ही होता है। तो बाकी जल्दी जल्दी मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं फर्क ना आया गोलू भैया बाटो भी खड़ा। तो आज पीयूष भी जा रहा है वह मेरे साथ खेत में। हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज पीयूष ने पहली बार खुद ही बोला है हेलो भाई, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है जब सभी लोग वीडियो में आते हैं, पर जो नहीं आते हैं तो उनका क्या करें, है ना। बाकी हमें तो वीडियो बनानी है, जब बना रहे हैं आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं तो बनानी भी पड़ेगी। तो नीचे जाना है अभी हमने, जहाँ पीयूष जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे ना ऐसे ही रास्ते रहते हैं खेतों में जाने के, टेढ़े मेढ़े रास्ते रहते हैं, पर कहीं कहीं पे खेत जाने के रास्ते बहुत अच्छे भी होते हैं। तो देखते हैं खेत में कौन कौन आ रखे हैं बल आज। आज बैल से चलाएंगे हल। तो अभी मैं भी पहुंच चुकी हूँ खेत में। खेत में पहुँचते ही यहाँ पे देखो बैलों की जोड़ी काल्या और धोल्या और आयुष, आज मेरा बेटा लगा रहा है देखो कैसा हो रहा था, अच्छा हो रहा ये देखो। हमारे पहाड़ों के बच्चे बहुत किसान होते हैं तो आयुष से छोटे छोटे बच्चे भी हल चलाते हैं। मेरा भाई तो बहुत छोटा था तब से चलाता है, ये तो 10 में चला गया, अब चला रहा है, पर चलो कोई नहीं। कुछ नहीं धरियो मेरा भाई हूँ वरा बॉन्ड माँ भर्ती वॉन्ड जोला लेंसीडोन माँ। तो भर्ती भी तभी होंगे जब पहाड़ों में कुछ काम करेंगे, जब मेहनत का काम करेंगे, एक जगह पे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करके किसान का बेटा किसान, तो माँ भी किसान बेटा भी किसान। बाकी गोलू जिद कर रहा है मेरे पास भी दे दे, तो देखते हैं आयुष देता है कि नहीं। तो आयुष बेटा भी चला रहा है हल, काम करने में कोई शर्म नहीं होती है भाई, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो हर चीज़ सीखनी पड़ती है। और हमारे पहाड़ों में तो जिसको हल नहीं आता है उसको बोलते हैं जिसको हल ही नहीं आएगा तो उसको और चीज़ क्या आएगी। बाकी पीयूष भी देख रहा है कि भाई किस तरह से चला रहा है हल, है ना। बारिश नहीं आई, मिट्टी मिट्टी धूल धूल हो रही है, तो जहाँ पे हल नहीं जा रहा है वहाँ पे हम कुदाल से खोमा खोदते हैं,
खोमा ही बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ पे हल नहीं जाता है, जैसे नीचे की साइड ज़्यादा हल नहीं जाता है, बैलों का नीचे गिरने का खतरा रहता है, और ज़्यादा ऊपर भी दीवार रहती है तो दीवार पे बैलों का लगने का खतरा रहता है। और जो बाकी बोले होते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पे बोले मतलब नहर निकाली जाती है, तो बाकी हल चलाना वैसे ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता होगा, लेकिन जो बैल होते हैं उनको याद रखना है दायां कौन है बायां कौन है, तो तब जब मतलब दाएं बाएं ठीक सुलटे बैल जोते जाते हैं तो वो ढंग से चलते हैं, और उल्टे जोतेंगे तो नहीं चलेंगे। आ, 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 आ। तो अभी यहाँ पे ना दीदी जी परोस रही हैं रोटी, बाकी आयुष पीयूष दीदी बैठ रखे हैं मस्त से यहाँ पे छाए पे। मस्त तो क्या होना है, आज दीदी की तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गई है, क्योंकि दीदी ना लगातार लगी रहती है अकेला अकेला काम करने पे, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, गाय बच्ची बच्चे और ज़मीन, मतलब जेठ जी ना जो हमारे बड़े वाले ससुर जी हैं, तो जेठ जी एक ही भाई हैं, बाकी तो और कोई दो कोई तीन चार ऐसे हैं, तो वो एक हैं, तो अकेला काम करती है दीदी। तो आज स्वास्थ्य खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया यार, सर दर्द हो रहा है। कल से दीदी की तबीयत मुझे भी लग रही थी कि दीदी की तबीयत खराब है, लेकिन दीदी की तबीयत खराब भी रहती है तब भी दीदी हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं और काम भी करती रहती हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि तबीयत खराब है ना। अगर तबीयत खराब है पड़ा रहे इंसान तो तब लगता है कि तबीयत खराब है, तो दीदी तो बाकी चलती रहती हैं। तो हम भी खाते हैं यहाँ पे रोटी, आप भी खाओ, आप भी निकालो एक रोटी तो खा लो। तो मेरे लिए भी दीदी ने दे दी है आलू बैंगन की सब्जी और चाय रोटी, तो हम भी करते हैं नाश्ता। और ना खेतों में जब रोटी खाते हैं तो बहुत आनंद आता है, और एक टुकड़ी ना अपने पितृ देवताओं के लिए भी सबसे पहले रखते हैं। तो इसको बोलते हैं बोला निकालना, जो कि दीदी लोग निकाल रहे हैं, और मतलब रुपाई वाले खेत में तो इसको नहर भी बोल सकते हैं, और पलेंसों में महिलाएं काम नहीं करती हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में खुद ही महिलाओं को सारा काम करना होता है, आदमी लोग हल चलाएंगे, बाकी तो कहीं कहीं जगह पर महिलाएं भी हल भी चलाती हैं। धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, सारी धूल जा रही है मुँह में, क्रीम पाउडर ये है हमारा पाउडर, यहाँ तक आ गया। दूरे परदेसु छौ उमा त्वे ते म्यारे सौ खुदेनी नारे ही चिठी देनी रे, जे बोल मैं तब बिसर गई भी मैं। घाम दो फेरा अब बहुत होगी अकेली नारी के तो मारेगी, चल दो दीदी चल बैठी जोला अपनी खैरी वखी मुँह लगौला, नाक ना थूली पीतल फूली छल बैठी जौला दीदी दीबूली, रूढ़ियों का दिन तनी तेलु घाम यखुली कन दीदी पुंगड़ियों मकाम, रूढ़ियों का दिन कु तेलु घाम यखुली कन दीदी पुंगड़ियों मकाम, तो अब 10 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, और सभी श्रद्धालु लोग भी आएंगे केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में, गंगोत्री यमुनोत्री
तो क्या पता हम दोनों भी अगर खेतों का काम निपटा देंगे, निपटा तो क्या ही देंगे, मतलब कोदा बोतेंगे फिर सट्टी में माया लगाएंगे, सट्टी में माया लगाएंगे तब पणगौड़ लगाएंगे, पणगौड़ के बाद फिर यहाँ कोदे में लगाएंगे, फिर दूसरा तीसरा वैसा। तो पहाड़ी महिलाओं का काम ना कभी भी पूरा नहीं होता है। तो सोच तो रही हूँ, एक छोटा सा गीत भी सुनाएंगे आज दोनों बहनें आप लोगों के सामने। चल दीदी घूमण जयोला जोला केदारनाथ माँ, चल दीदी घूमण जयोला जोला केदारनाथ माँ, भलीबुरी छुई तक लगोला द्वी घूमला साथ माँ, भलीबुरी छुई तक लगोला द्वी घूमला साथ माँ। हे भोले मन कन के औने तन पोंगड़ियो की धानिया। तो आज मैंने यहाँ पे एक स्पेशल सब्जी निकाल रखी है, और कोई बोलते हैं इसका अचार भी होता है, तो इसको बोलते हैं तिमला। जरूर बताना किस किसने तिमले की सब्जी खाई है और किस तरह से तिमले की सब्जी बनाई जाती है। बोलते हैं जो हम आग जलाते हैं घरों में लकड़ी वाले चूल्हे पे आग, तो उसकी जो राख होती है उससे बर्तन भी धुले जाते हैं। पहले के ज़माने में बर्तन उसी से धुलते थे ज़्यादा, अब तो विम बार आग हुआ लेकिन हमने भी उससे बहुत ज़्यादा धुले हैं। तो उस वाले राख को ना उबालते समय, तिमले को उबालते समय डालना है, और फिर तिमले को अच्छे से उबाल देना है। मैं देखती हूँ किसी किसी पे कीड़ा भी रहता है, तो बाकी इस वाले तिमले पे तो कीड़ा नहीं है भाई। तो सबको पहले एक बार चाकू से ऐसा काट देना है जैसे मैंने इसके दो टुकड़े किए हैं, और बाकी अच्छा है। मैं देखती हूँ कैसा हो रहा है, बचपन में बहुत खाया है, अच्छा हो रहा है। तो आज मैं इसकी सब्जी भी बनाने वाली हूँ।